देखा है कि बाज़ार में पहुंचने लगे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, सामान खरीद रही हैं। पहुंची हुई हैं महिलाएं दुकानों पर सामान। अमित वाल्मीकि साप्ताहिक बाजार का निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्री जी बाजार के दुकानदारों का हालचाल पूछ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि बाकी आप इस तरीके से निरंतर बाजार में आए। वो जो शुरुआत करी है इस बार आज बाजार की ग्राम निवासियों ने, बाकी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं सभी लोग। मेरे साथ है ब्लॉक प्रमुख पति मनोज प्रधान जी। मैं पूछूं, आज उनका मान करोड़ा में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या बाजार का सुना है, साप्ताहिक बाजार का उद्घाटन हुआ है, नई सोच पैदा करी आपने, क्या कार्यक्रम? ये यहाँ जो हमारे वर्तमान प्रधान है श्रीमान आसमा मोहम्मद जी, उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ एक साप्ताहिक बाजार की शुरुआत कराई है और उसमें मुझे आने का मौका मिला है। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, सबका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये कहूंगा कि इस साप्ताहिक बाज़ार से जो भी यहां पास पड़ोस के देहात के लोग हैं, गरीब जनता है, उन लोगों को अपने नज़दीकी में सामान मिलेगा अपनी ज़रूरत का, और जब वो यहां से लोग सामान खरीदेंगे तो जो ये कमज़ोर लोग और अपनी दुकान यहाँ लगाएंगे जो लोग, उन्हें यहाँ अपना रोज़गार मिलेगा, उन्हें लाभ होगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो क्षेत्र की जनता है चाहे ये दुकानदार है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, मैं प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे। अच्छा सर, सुना भी था, मैं जानकारी कर रहा था तो बताया जा रहा था कि ये सोच भी आपने ही जागृत करी। हाँ, ये बातचीत हुई इनसे पीछे जो है, तो हमने कि जो भी व्यवधान आए हम उसमें तुम्हारा सहयोग करेंगे और ऐसा काम अगर हो, एक अच्छा कार्य उन्होंने शुरुआत करी है, समाज के लाभ की बात करी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ मनोज प्रधान जी, उन्होंने बताया कि वाकई एक ऐसी शुरुआत हुई है जो कि शहरी स्तर पर ग्रामीणों को वो सुविधाएं, वो बाजार में सुख सुविधाएं मिल सके। साथ है प्रदेश मंत्री भाजपा अमित वाल्मीकि जो मान करोड़ा में एक साप्ताहिक बाजार का आज शुभारम्भ करने आए हुए हैं और हम पूछेंगे उनसे कि साप्ताहिक बाजार में शुभारम्भ करने आए हुए हैं कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो बाजार लगा रहे हैं और जो बाजार की खरीदारी कर रहे हैं और वो कमेटी जो इसको आयोजन कर रही है, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो आयोजन करता है इस साप्ताहिक बाजार के, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है और निश्चित रूप से आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनको इस साप्ताहिक बाजार का लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे आदरणीय मोदी जी ने तो नारा भी दिया हुआ है कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अपनी यहाँ मार्केट में दुकान लगाए हुए हैं वो सब लोकल सामान यहाँ बेच रहे हैं, कोई ऐसा ब्रांडेड सामान मुझे नहीं दिखाई दिया कि कोई विदेश से आया हुआ हो, सब आसपास के, चाहे वो जंगीबाबाद में निर्माण हुआ हो, चाहे गाजीपुर यहाँ बुलंदशहर में निर्माण हुआ हो या खुर्जा में निर्माण हुआ हो, तो लोग वोकल फॉर लोकल के नावे को भी इस प्रकार के जो साप्ताहिक बाजार हैं वो निश्चित रूप से सफल करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे उनको भी बधाई देता हूँ कि वो अपने अपने गांव के निवासियों को यहाँ के लिए प्रेरित करें कि वहाँ मार्केट से जो साप्ताहिक बाजार है उससे सामान खरीदें, तो जो दुकान लगाने वाले उनकी भी हौसला अफजाई होगी और उनको भी लाभ मिलेगा जो यहाँ इस मार्केट में आते हैं। अच्छा सर, अभी आपने ये कहा था कि वाकई जो चीज़ परंपरा शुरू की जाती है उसको निरंतर जारी रखना, ये बड़ी बात होती है इस पर। देखिए, ये निश्चित रूप से अभी इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो आज यहाँ शुरुआत की है उसको लगातार सफलता के साथ में चलाएं, और मैं तो कमेटी से ये भी निवेदन करूँगा कि एक साल बाद इसी दिन हम पुनः यहाँ पर एकत्रित होंगे और इसको एक बड़े स्वरूप में जो ये साप्ताहिक बाजार है और एक फेमस साप्ताहिक बाजार जो आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर के अपनी अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से खरीदें, तो ऐसा मैं इनसे एक निवेदन करके यहाँ चाहता हूँ कि एक साल बाद हम पुणे आएंगे और ये बड़े स्वरूप में साप्ताहिक बाजार दिखाई देगा। मंत्री जी का कहना है वाकई जब मैं आऊँ तो एक वार्षिक प्रोग्राम हो, मेरा
आगमन उस समय हो। और मैं उस समय और बधाई दूंगा कि जो वाकई एक प्रयास जो करा था इस ग्रामीण और इस कमेटी ने वो एक सफल रहा, ये कहना है प्रदेश मंत्री अमित बालवे जी का। मेरे साथ हैं आसम मोहम्मद जो कि मानकरोरा के प्रधान हैं। एक वो सोच जो आपने उस सोच को उजागर किया है जिससे कि ग्रामीण अंचल की जो लोग हैं जो शहरों में जाते हैं सामान लेने, लेकिन आपने उसको एक हब बना दिया गांव में, एक ऐसा साप्ताहिक बाज़ार का आप आज उद्घाटन कराया है कि यहाँ एक गांव में वो चीज़ें सब मिलेंगी जो एक बाज़ार में जगह जगह मिलती हैं। आपने उस चीज़ को एक ही जगह एक ही छत के नीचे आपने उसको शुरुआत करी, क्या कहेंगे इस बारे में और ये सोच कहाँ से आई आपको? वाकई गांव ग्रामीणों के लिए आपने जो ग्रामवासियों के लिए जो सोच करी है एक सराहनीय सोच है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे ग्रामवासियों के सहयोग से, हमारे डॉक्टर साहब लैनमैन हैं, इन लोगों के सहयोग से एक विचार रखा गया गाँव के, प्रस्ताव रखा गया कि भाई इस जगह को, ये ग्राम समाज की ही जगह है, इस जगह को एक बाज़ार के उसमें यूज किया जाए, जो गांव की आय बढ़ेगी उससे गांव का विकास भी हो सकेगा। इसलिए हमारी ये सोच आगे इसकी जो प्रचार वगैरह हम कर रहे हैं, दुकानदारों का भी बहुत सहयोग रहा है और जी तुम्हारे या बाज़ार लगाने के उसमें हमारे गाँव वासियों का बहुत सहयोग रहा है और ये पैसे देने से भी इसमें मदद करने की पूरी तरीके से। जैसे आज यहाँ हो गया, इसके बीच हम देखते हैं काफ़ी दूर जाना पड़ता है इसी बाज़ार के लिए, फिर यहाँ जहांगीराबाद जाना पड़ता है, यहाँ से जहांगीराबाद जाना पड़ता है या फिर बुलंदशहर है, शिवाली है, तो इन गांव जो हमारे आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, यानी इतना फ़ायदा होगा माना यहाँ से किराया भी नहीं लगेगा, अपने बाज़ार खरीद करके ले जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा इनका। प्रधान जी बता रहे हैं कि हमने उस सब सारा सामान जो एक ही छत के आपके नीचे मिला, मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप बाज़ार में और प्रधान जी का सहयोग काफ़ी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाज़ार को लगाने में प्रधान जी बता रहे हैं कि काफ़ी सहयोग रहा है आपका, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या सोच जो प्रधान जी ने आज दी? पहली बार तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी ने वो कार्य किया है, छोटा सा गाँव है, इस गाँव को विकास की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और इस काम में हमारा नहीं है बल्कि हमारे गाँव सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहेगा, तन मन धन से कंधे लगा के हम साथ देंगे प्रधान जी का, जैसा भी सहयोग होगा हम आधी रात तैयार हैं और आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए समय समय। बता रहे हैं डॉक्टर साहब के प्रधान जी ने तो शुरुआत करी है लेकिन उसको मंजिल तक हम ही लोग पहुंचाएंगे और हमारा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलना रहेगा। इस जो बाज़ार आज शुरुआत हुई है, इस बाज़ार को हम एक ऐसा हब बना देंगे जो आसपास के क्षेत्र के इलाकों में नाम से हमारा गांव और हमारा बाज़ार पहचाना जाए, बिल्कुल ये कहना है। ये हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ये इसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरे साथ ग्राम पंचायत सदस्य हैं और मैं पूछूंगा उनसे आज आपके गांव में एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसका लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, गाँव के आपके लोग काफ़ी दूर जाया करते थे सामान लेने और जगह जगह उन्हें जाना होता था, लेकिन आज जो मार्केट एक बनाई है, एक हब जो बना दिया आपने कि एक ही छत में एक ही जगह पर आपको सारे सामान की सुविधा मिलेगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो सभी भाइयों को मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयास से जो यहाँ पर इस बाज़ार को लगवाया जा रहा है जिससे पब्लिक को जो असुविधा होती थी दूर जाने में सामान लाने में वो सारी सुविधाएँ समाप्त होंगी और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो आम जनता है वो भी सहयोग करेगी इस बाज़ार को लगवाने में और आने वाले समय में लोगों की सारी ज़रूरतें यहीं से पूरी हो जाएंगी और किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़े है तो यहाँ पर कमेटी भी नियुक्त की गई है ताकि इधर उधर से कोई भी हुटिंगबाजी या कोई झगड़ा फसाद ना हो, उसके लिए एक उच्च कमेटी का निर्माण भी किया गया है और सभी सदस्य गणमान्य व्यक्ति हैं गांव के और उनके सहयोग से ही इस बाज़ार का चलन हो पा रहा है। और आज जो शुरुआत करी है इसी प्रबंधन का हमें कमेटी भी बनाई है, वो कमेटी निरंतर इस जो बाज़ार है इसमें निरंतर अपनी निगाहें बनाए रहेगी, जो भी उपलब्ध का माहौल होता है उसको कंट्रोल में लगेगी, उस पर ध्यान ज़रूर देगी। तो आइए इस बाज़ार में और हम समझते हैं कि आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं और क्षेत्रीय लोग हैं वो इस बाज़ार में आएँ और अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदें और इस बाज़ार को निरंतर जो आसम मोहम्मद ने प्रयास किया अपने प्रधानी के दौर में और उनकी टीम जो एक साथ खड़ी हुई है वो उस स्तर तक ले जाए जहां मानकरों का नाम एक उच्च स्तर पर लिया जाए। चलिए बच्चा बनियान 20 रुपए। आप दुकानदार हैं, पहली बार आज आगमन हुआ है, बाज़ार का शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन, और आपके द्वारा बेहतरीन काम करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम कर रहा जी। क्या कहना चाहते हैं आसपास के ग्रामीणों को सबसे सस्ता सामान? सब में सस्ता, सब में बढ़िया क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी।
और ये समझो कि आदमी को खुश, आदमी खुश हो जाए, हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ निक्का बनिया कोई भी चीज़ चाहिए तुम्हें। बता रहे हैं जो ब्रांडेड चीज़ें हैं बाजार में मिलती हैं वो इस बाजार में हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ये कहना है। जो बता रहे हैं कि जो बाज़ार में जो महंगे स्तर पर मिलती हैं हमारे सस्ते दामों पर वही ब्रांडेड चीज़ें हैं हम इस बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे, ये कहना है कि दुकानदारों का। ये डॉलर की बनियान 55 रुपए की। बता रहे हैं, चलिए मेरे साथ घूम रहे हैं और कमेटी के भी सदस्य हम पूछेंगे उनसे, वसीम भाई हैं इनका नाम। वसीम भाई, क्या आज आपकी शुरुआत हुई है बाजार की? भाई शुरुआत ये है कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और लोगों को बुलाना है बाज़ार में। आप सभी लोगों से गुजारिश है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद की भीड़ में आओ और इस बाज़ार को भरपूर फ़ायदा उठाओ, सस्ते से सस्ता सामान लो, सभी चीज़ों की उपलब्ध जरूरत जो है घर के राशन वगैरह सब चीज़ मिलेगी भाइयों। बता रहे हैं कि सभी सामान उपलब्ध है हमारे बाज़ार में और हमारे बाज़ार में आए, जो शुरुआत हुई है इस बाज़ार को कामयाब बना, जिससे कि ये जो आज जो शुरुआत एक कम दुकानों से हुई है और जो आने वाला समय हो वो ऐसा हो कि वाकई एक मान करोड़ का बाज़ार पहचाना जाए और जाना जाए। है जो आज मन करोरा में जिसकी शुरुआत हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बाज़ार वो शुरुआत आज ग्राम प्रधान आस मोहम्मद व उनकी कमेटी के नेतृत्व में की गई है, जिससे कि उन्होंने बताया है कि जो आज हमारे आसपास के लोग, हमारे गांव के और आसपास के गांवों के लोग शहर में जाया करते थे उन्हीं सामान को लेने के लिए, हमने उसको एक छत के नीचे एक हब बनाया है। हम साप्ताहिक बाज़ार की आज शुरुआत कर रहे हैं, ये साप्ताहिक बाज़ार उस स्तर की ओर जाएगा जहां मान करोरा का नाम, हमारे गांव का नाम और हमारे बाज़ार का नाम पहचाना जाएगा। जो सभी बता रहे हैं, हमने दुकानदारों से भी बात की कि कंपनीज़ की जो चीज़ें हैं जो महंगी बाज़ारों में मिलती हैं वो साप्ताहिक बाज़ार में उनसे कम दामों पर यहां उपलब्ध कराई जाएगी, ये कहना है उन दुकानदारों का।